sum of any two sides is more than third side, and difference of any two sides is smaller than third side. अगर दो साइड दे दिया है, ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो तीसरा साइड कितना हो सकता है, किस लिमिटेशन के बीच हो सकता है, कहाँ फॉल करेगा, ऐसा क्वेश्चन है बुक में, देखिए आप। तो थर्ड साइड, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, थर्ड साइड should, third side should smaller than third side should smaller than sum of two sides. And third side should greater than third side should greater than difference of two sides, difference of two given sides. यानी तीसरा साइड जो होगा वह दो साइड के सम से छोटा होगा, तीसरा साइड जो होगा वह दो साइड के सम से डिफरेंस से बड़ा होगा. यानी थर्ड साइड इट शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड 8 minus 7. A third side it should be a smaller. Third side it should be a smaller than the sum of two sides. And the third side lie. Third side. तीसरा side जो है वह बड़ा होगा 8 minus 7 1 centimeter. तीसरा साइड जो है वह छोटा होगा किससे 8 plus 7 15 सेंटीमीटर से. तो थर्ड साइड 1 सेंटीमीटर से बड़ा और 15 सेंटीमीटर से छोटा होगा. इस टाइप का यह है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन. क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे, हो सकता है आपको याद ना हो, एक बार हम इसको दिखलाए देखिए ताकि आपको याद आ जाए बढ़िया से. तो इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका एग्जाम उतना ही बढ़िया होगा. चलिए अब हम आते हैं रिवीजन में. वर्कशीट 1 पर बताए थे कल हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में भी बतलाए थे. जैसे वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो दैट द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट 4/9 एंड 44/99 आर इक्विवेलेंट. कैसे समझेंगे इक्विवेलेंट?
तो 4/9 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 11 से, इट बिकम्स 4/9 को हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स 44/99। हेंस 4/9 एंड 44/99 आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो द रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं है 4/9 एंड 16/27। 4 4 = 16, यानी 4/9 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4/9 = 4/9 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 16/36। नोट इक्वल टू 16/36 इट नोट इक्वल टू 16/27। हेंस 4/9 नोट इक्विवेलेंट टू 16/27। इक्वल नहीं है इसलिए इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 रेशनल नंबर लिखना है जो कि इक्विवेलेंट हो। तो इक्विवेलेंट लाने के लिए किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फोर बाय सेवन का इक्विवेलेंट 4/7 × 2/2। 2 से न्यूमरेटर 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो 8/14। 4/7 = 4/7 × 3/3। 3 से न्यूमरेटर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया 12/21। 4/7 = 4/7 × 4/4। 4 से न्यूमरेटर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो 16/28। हेंस 3 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 4/7 आर। 4/7 का 3 इक्विवेलेंट नंबर क्या सब हुआ सर? दीक्षा को प्रॉब्लम है। 8/14, 12/21, 16/28। हाँ बोलिए बोलिए। मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ना हम करके दिखलाए ना। 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर तो 2 से डिनोमिनेटर, 3 से न्यूमरेटर तो 3 से डिनोमिनेटर में, 4 से न्यूमरेटर तो 4 से डिनोमिनेटर में, तो ये इक्विवेलेंट निकल गया, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 3/5 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -21। अब न्यूमरेटर को चेंज करना है, न्यूमरेटर को चेंज करना है, कभी डिनोमिनेटर को चेंज करना है, कैसे करें? क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 एज न्यूमरेटर -21/how much? यहाँ पर x लिख दीजिए, x देखिए क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3x 3 × x 3x
is equal to 5 into minus 21, 5 into minus 21, x is equal to, 3 से डिवाइड कीजिए, 5 into minus 21 divided by 3, 3 is 7, 21, x is equal to minus 35. Therefore, 3 by 5 is equal to minus 21 by x, x के जगह पर लिखेंगे minus 35. तो न्यूमरेटर हो गया माइनस 21. क्वेश्चन नंबर 5 में डिनोमिनेटर का था चेंज करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 4 बाय 7 रेशनल नंबर विच डिनोमिनेटर 84 माइनस 28 कुछ भी. 4 बाय माइनस 7 इज इक्वल टू हाउ मच बाय माइनस 28. डिनोमिनेटर माइनस 28 लाना है इसका. यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 28. एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 28 डिवाइडेड बाय माइनस 7, माइनस कैंसिल, एक्स इजकल टू 16, एक्स इजकल टू 16 निकल गया. देयरफॉर 4 बाय माइनस 7, 4 बाय माइनस 7 इजकल टू एक्स यानी 16 बाय माइनस 28. देखिए डिनोमिनेटर माइनस 28 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, आज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, आज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बनाए हैं वैसे 6 को बनाइए. क्वेश्चन नंबर 7, आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बनाए हैं वैसे क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए. अब है क्वेश्चन नंबर 8, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एज कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कॉमन हो कैसे बनाए. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एज कॉमन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है 2 बाय 5 6 बाय 13 दोनों का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए जिसका कि डिनोमिनेटर एक ही हो दोनों का. तो 5 और 13 का एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 5 एंड 13 दैट इज इक्वल टू 65. दोनों का डिनोमिनेटर 65 बनाइए, 2 बाय 5 इज इक्वल टू डैश बाय 65, डिनोमिनेटर 65. क्वेश्चन नंबर 5 जो जैसे बनाए हैं वैसे x यहां पर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 65, 5 into x is equal to 2 into 65, the x is equal to 2 into 65 by 5, x is equal to 26, and the 2 by 5 is equal to x 26 by 65, 2 by 5 is equal to 26 by 65. अब 6 by 13 को लीजिए, 6 बाय 13 डैश बाय 65, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही होनी चाहिए 65. यहाँ पर y कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे 13 इंटू y, 13 y इज इक्वल टू 6 इंटू 65, तो y इज इक्वल टू
6 into 65 divided by 13. Y is equal to 30. Y is equal to 30 निकल गया. यानी 6 by 13 is equal to 30 by 65. देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम 65. 2 by 5 डिनोमिनेटर 65, 6 by 13 डिनोमिनेटर 65. यानी दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गया. इस तरह से दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, जितना भी रहे एलसीएम ले लेंगे. जो एलसीएम आएगा उतना डिनोमिनेटर बनाएंगे. तो ये था आपका वर्कशीट 2. वर्कशीट 3 फाइंड रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखिए. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ रेशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म फर्स्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है रेशनल नंबर इन लोएस्ट टर्म एंड डिनोमिनेटर शुड पॉजिटिव. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिए रेशनल नंबर जो है वो लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होनी चाहिए और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 33 बाय 77. देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर 11 है. कॉमन फैक्टर 11 है तो 11 से यानी इसका मतलब हुआ एचसीएफ ऑफ 33 एंड 77 दैट इज इक्वल टू 11. जो एचसीएफ है एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. इट बिकम्स 33 डिवाइडेड बाय 11, 77 डिवाइडेड बाय 11, 3 बाय 7. इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए 64 बाय माइनस 20. यहाँ डिनोमिनेटर निगेटिव भी है, इसको पॉजिटिव करना है. तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 64 एंड 20, इसका एचसीएफ कितना 64 और 20 का एचसीएफ 4. तो 4 से पहले डिवाइड कर दीजिए. नीचे है माइनस तो माइनस 4 से डिवाइड कीजिए. नीचे निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव लाने के लिए तो माइनस से डिवाइड कीजिए. 64 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4. एचसीएफ 4 था तो 4 से नहीं डिवाइड किए, माइनस 4 से डिवाइड किए. क्यों? तो डिनोमिनेटर निगेटिव है इसलिए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लाना. ये हो गया माइनस 16. 64 डिवाइडेड बाय माइनस 4 तो माइनस 16. माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4 तो 5. तो माइनस 16 बाय 5 इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए ना. स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लिखिए कितना होता है. एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए. अब देखिए यदि डिनोमिनेटर निगेटिव है तो एचसीएफ का साइन बदल दीजिए. 4 है तो माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए. बस हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एक्स सच दैट रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिकम्स इक्विवेलेंट. रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हो जाए तो एक्स का वैल्यू अभी जस्ट निकाले भी है. क्वेश्चन नंबर 2 9 बाय माइनस 5 इज इक्वल कर देंगे एक्स बाय 10, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है इसलिए इक्वल कर दिए, मल्टीप्लाई कीजिए.
x into minus 5 is equal to 9 into 10. x into minus 5 is equal to 9 into 10. x is equal to. दोनों पॉजिटिव है, वो कल के क्लास में नहीं थे, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए एस सी एफ जो होगा 27 है, 15 का एस सी एफ कितना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 9 × 10 डिवाइडेड बाय -5, एक्स इजकल टू -18, एक्स के जगह -18 रख दीजिए, 9 × -5 इट इक्विवेलेंस टू -18/10 या 18/-10 दोनों लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 18/-10 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इच्छा है। और चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -3/19, 3 इज प्राइम नंबर, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि प्राइम नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर कंपोजिट नंबर है तो कॉमन फैक्टर है या कि नहीं ये देखना है, तो ये 3 और 19 दोनों प्राइम नंबर है तो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, 2/7 इज इक्वल टू 8/how much इज इक्वल टू हाउ मच बाय -63, यहाँ पर x कर दीजिए, यहाँ पर y कर दीजिए, पहले इस दोनों से निकालिए, 2/7 इज इक्वल टू 8/x, 2/7 इज इक्वल टू 8/x मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू 7 × 8, x इज इक्वल टू 7 × 8 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 28। अब यहां पर 2/7 इज इक्वल टू 8/x, x के जगह पर लिखेंगे 28, फिर यहां पर ये लेंगे 2/7 इज इक्वल टू y/-63, तो y का वैल्यू कितना होगा निकालेंगे, टू बाय सेवन इज इक्वल टू y/-63, सेवन वाई इज इक्वल टू 2 × -63, y इज इक्वल टू 2 × -63 डिवाइडेड बाय 7, y इज इक्वल टू -18, तो y 2/7 इज इक्वल टू 8/28 इज इक्वल टू y के ऊपर लिखेंगे -18/-63, इस तरह। वर्कशीट 4, एब्सोल्यूट वैल्यू वर्कशीट 4 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो वो भी वर्कशीट 4 भी कर देते, तो वर्कशीट 4 एब्सोल्यूट वैल्यू और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कंपेयरिंग रेशनल टू रेशनल नंबर्स, ये 3 चीज वर्कशीट 4, 5, 6 कल के क्लास में बतलाएंगे, यूनिट 1 का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको संडे टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, जो बतलाए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।